नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में, नाम है सास बहू और फ्लेमिंगो। आई है ये डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे, डायरेक्टर हैं होमी अज्जानिया। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और उसके बाद देखेंगे कि सीरीज में क्या अच्छा बुरा है। तो इस सीरीज की जो कहानी है वो राजस्थान के सीमावर्ती एक काल्पनिक जिले की कहानी है। जिले का नाम यहाँ रुंच रखा गया है और यहाँ रहती हैं रानी बा। रानी बा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हैं, बहुत सारी महिलाओं को इसमें रोजगार मिला होता है और उनका जो काम है वो क्राफ्ट्स को और जड़ी बूटियों को बेचने का है। लेकिन ये तो एक कवर अप है, इनका जो मुख्य धंधा है वो है ड्रग्स का। और इसमें उनकी दो बहुएं और एक बेटी ये भी साथ देती रहती हैं। तो सारा काम ये महिलाएं ही संभालती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैश कलेक्शन हो, तो सब कुछ ये संभालती हैं। और रानी बा के दो बेटे हैं, ये दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, कभी कभार आते हैं। लेकिन इस बार जब वो घर आए हैं तो फिर कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, विरासत की एक जंग शुरू हो गई है और इसके बाद क्या कैसे होता है यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज में एक चीज़ जो ठीक है वो ये कि यहाँ महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में रखा गया है और यहाँ जिस तरह से दिखाया गया है कि एक ऑल वुमन गैंग है वो एक अच्छी चीज़ है, या कहिए एक यूनिक चीज़ है। एक तरह से यहाँ महिला सशक्तिकरण को ही दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी काम अगर पुरुष कर सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही बेसिक है, कहिए कि इसमें कुछ भी नया ऐसा आपको दिखता नहीं और एक क्लीशे टाइप की कहानी भी हमको दिखती है। यही हाल हमको डायरेक्शन में भी दिखता है और कहानी में बहुत सारे झोल झाल भी हमको दिखते हैं। अब जैसे यहाँ लगता है कि एक कोशिश ये कर रहे हैं मेकर्स कि वो एक ही कहानी में सब कुछ दिखा डालें, और जो ये दिखा रहे हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, ओवर द टॉप ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स है, क्राइम है, वफादारी बेवफाई जैसी चीज़ें हैं, एक्शन है, कुछ पर्सनल स्पेस है, इमोशंस हैं, लेकिन ये सब कुछ थोड़ा 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 ज़्यादा ही हमको दिखता है और थोड़ा ज़्यादा होने के चक्कर में ये एक बैलेंस नहीं रह पाता और इसीलिए देखने में कई बार हमको अटपटा सा भी लगता रहता है। अब देखिए एक घटना मैं बताता हूँ कि एक अफसर है, मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ आकर के वो पुलिस अफसरों को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं और पुलिस अफसर जो है वो सब बैठ करके कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अब ऐसा कहाँ होता है, अगर आपको यह दिखाना है कि पुलिस बहुत संजीदा नहीं है तो वो चीज़ें, मतलब और भी तरीके हैं दिखाने के, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि एक अफसर ब्रीफ कर रहा हो और बाकी कैरम बोर्ड खेल रहे हो। तो ऐसी जो ओवर द टॉप चीज़ें हैं ये आपको बार बार दिखती हैं और बार बार खटकती भी हैं। सीरीज़ की जो शुरुआत है वो अच्छी है और जो पहला एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ जो प्रिवाइस है उसको अच्छे से सेट किया गया। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है इसमें हमको वही फार्मूले, वही क्लीशे जैसी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं और जो फाइनल एक्ट है वो तो अति नाटकीयता से भरा हुआ है और ये सब देख करके हमको थोड़ी उलझन ही होती रहती है। देखिए दोस्तों कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है इस कहानी में लेकिन ज़्यादातर प्रेडिक्टेबल है और जिस तरह से ये अंत किया गया है वो देखना भी थोड़ा अटपटा लगता है। हालांकि सीजन 2 की गुंजाइश इन्होंने बना करके रखी है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये ओवर द टॉप आपको लगती है, यहाँ मसाला आपको दिखता है, क्लीशे चीज़ें दिखती है और इस तरह से ये सीरीज़ हमको कभी भी बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिखती है। हालांकि यहाँ एक चीज़ और है जो मुझे पर्सनली थोड़ी अटपटी लगी, वो ये कि यहाँ देखिए ऑल वुमेन गैंग है वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का यहाँ एक्शन रखा गया है और जब आप देखते हैं कि डिंपल कपाड़िया मुस्टंडे लोगों को पकड़ पकड़ के पीट रही हैं
तो देखना थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है कि भाई ये कहाँ हट्टे कट्टे मुस्टंडे, कहाँ एक बूढ़ी महिला लेकिन पीट रही है उनको, काट रही है तलवार से। तो ठीक है, कहानी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वैसे थोड़ी गड़बड़ है। और अगर दोस्तों देखें अदाकारी के तौर पे, तो डिंपल कपाड़िया ने ज़रूर अपना काम अच्छे ढंग से किया है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है या कुछ उनके जो गुस्से वाले या मौन वाले एक्सप्रेशन हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा ईशा तलवार हैं, अंगीरा धर हैं, राधिका मदान हैं बहु बेटियों की भूमिका में, तो ये लोग भी ठीक कहे जा सकते हैं। यहाँ उदित अरोड़ा भी आपको दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों वरुण मित्रा और आशीष वर्मा आपको दिखते हैं। और इन लोगों ने कहिए कि जो इनका किरदार है उसने थोड़ी सी कॉमेडी का जिम्मा लिया है, तो बीच बीच में अगर इनके किरदार के साथ कुछ कॉमेडी दृश्य आते हैं तो वो एक राहत जैसी बात जरूर है। दीपक डोबरियाल है यहां और एक अलग ही तरह की भूमिका में है, एक अलग तरह के गेटअप में वो है, लेकिन जितना सशक्त उनका किरदार होना चाहिए उतना उभर करके कभी आता नहीं है। हालांकि उनको एक बहुत ही रूथलेस निर्दयी आदमी दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो कहानी में वो जिस तरह से होने चाहिए वो है नहीं। अब होना तो ये चाहिए कि जो उनका किरदार है मंक का, वो रानी बा के साथ टक्कर लेता रहे, उनके सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता रहे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हालांकि बीच बीच में वो आपको दिखते जरूर है। नसरुद्दीन शाह है यहाँ और बहुत ही छोटी भूमिका के लिए है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो अच्छी है, म्यूजिक का जो डिपार्टमेंट है वो आपको ठीक दिखता है, और इसलिए ये सीरीज कहीं कहीं से आपको थोड़ा आकर्षक भी लग सकती है। तो 8 एपिसोड है इसके, 50 मिनट के आसपास के, सेक्स न्यूडिटी गाली गलौज ड्रग्स सारी चीजें यहां भरी हुई है। और दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक एवरेज सीरीज कहना ही इसको ठीक रहेगा, और इसीलिए मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर यह सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।